यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉग के एपिसोड नंबर 18 पर। तो यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर एक छोटा सा चेस्ट रूम बनाए थे, आपको याद होगा गाइस। बट यहाँ पर कुछ कुछ जो है वायलोंग थे, जो प्रोफाइल पर थे, पता नहीं यार उनका क्या मन हुआ, वो गाइस घर को टूटा दिया। बट पता नहीं यार वो बंदे क्या चाह रहे थे यार, इतना मेहनत से यार घर बनाए थे वो लोग गाइस, खेलने हेल्प करने के लिए मैं रखा था। बट यार पीछे वाला जो आप घर देख रहे हैं, देखो गाइस कुछ भी नहीं है। तो अभी हम गाइस यहाँ पर वो घर फिर से बनाने वाले हैं यार, फिर से ज़्यादा मेहनत लगने वाला है। इसके साथ ही गाइस यहाँ पर चिकन वाला एक ऑटोमेटिक फार्म था, उसे भी गाइस थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ दिया गया है। पता नहीं यार जब अगर खेलना नहीं रहता है तो भाई यार वो प्रोफाइल पर क्यों आते हैं वो बंदे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो गाइस चिकन भी नहीं आ रहा है, तो चिकन स्पोनर को गाइस मेरे को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो स्पोनर है इसे सबसे पहले तो रिमूव कर दूँ, इससे क्या होगा चिकन स्पोन नहीं होंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि फिर से इसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा इसे बनाएंगे और फिर से गाइस स्पोनर वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत लग रहा है यार मुझे, शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लगा यार भाई लोग, मैं खुद से बनाया था यार, लेकिन गाइस उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत थी पता नहीं यार। तो देख लो गाइस हम लोगों के यहाँ पर चिकन स्पोनर जो है वो यहाँ पर लगभग रेडी हो चुका है। अब लगभग यहाँ पर मुझे लगता है प्रॉपर अब चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये रहा, देख लो यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों का यहीं पर घर था। चेस्ट वगैरह कुछ कुछ चेस्ट है और बाकी जितने भी चेस्ट थे पता नहीं यार वो हटा दिया, मतलब कि वो ले लिया या फिर फेंक दिया या फिर क्या किया बंदा ने। और यहाँ पर गाइस देख लो चेस्ट है, तो इसी जगह हम लोग घर बनाने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख लो कोबलस्टोन फिलहाल मैं टेम्पररी दे रहा हूँ, टेम्प ब्लॉक है, ओके। यहाँ पर ऊड का ही हम लोग घर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक एक ब्लॉक फिलहाल मतलब यहाँ पर रख रहा हूँ, एक एक ऊड मैं रख रहा हूँ। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया आ जाएगा। वैसे गाइस ये जो मैं घर बना रहा हूँ यहाँ मेरा खुद का डिज़ाइन नहीं है, मैं एक वीडियो से देख के बना रहा हूँ, तो उसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, अगर आपको देखना है या फिर कुछ भी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली गाइस चेस्ट रूम होने वाला है, यहाँ पर हम लोग नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ गाइस सब के सब यहाँ पर चेस्ट ही भरे पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का आधा घर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मैं क्या किया, मैं ऑफलाइन हो गया। बट गाइज यहाँ पर तरुण और मानव भाई जो थे वो गाइज यहाँ पर भाई साहब 50% से भी ज़्यादा काम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं जब आया देखा तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बिकॉज गाइज यहाँ पर देख लो उन्होंने पूरा का पूरा सब जगह यार चेस्ट लगा दिया। थैंक यू सो मच दोनों भाइयों को यार। तो भाई लोग यहाँ पर चेस्ट वगैरह दे दिए, इसके साथ ही फ्रेम वगैरह वो भी यहाँ पर दे दिए। तो फिलहाल देख लो गाइज हम लोग जो आधा कंप्लीट अनकम्प्लीट ये जो घर था इसे हम लोग गाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ऊपर का यहाँ पर ब्लॉक जो है वो हम लोग नहीं दिए हैं, तो एक एक करके यहाँ पर ब्लॉक को भी गाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो फाइनली गाइज हम लोगों का घर लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग यहाँ पर बाकी ज़रूर है, ठीक है। अंदर में चेस्ट वगैरह का कुछ भी काम नहीं बचा है क्योंकि दोनों भाइयों गाइज कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा लेट लगेगा, बट गाइज दोनों भाइयों का मदद से यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ गाइज अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक घर तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पाइडर फार्म बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो स्पोनर है इसे हटाना पड़ेगा और इसके बाद गाइज ये सारे स्पाइडर को मारना पड़ेगा। अब गाइज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्पाइडर जो फार्म है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जैसे स्पोनर लगा हुआ था वैसे लगाने वाले हैं। बट गाइज आगे में क्या करने वाले हैं, सेंड देंगे और कैक्टस देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे बाहर के यहाँ पर सामने आएंगे ये स्पाइडर, वो गाइज यहाँ पर कैक्टस में लग जाएंगे और इसके बाद सामने हम लोग यहाँ पर हॉपर भी दे देंगे। अब क्या होगा कि जो भी मरेंगे सारे गाइज ऑटो कलेक्ट हो जाएगा और हम लोग गाइज स्ट्रिंग जो है वो हम लोग ईजी से जस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ गाइज ध्यान देना होगा, बनाते समय ये जो केब स्पाइडर हैं वो गाइज कहाँ कहाँ से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
इस वजह से गाइज यहाँ पर देखते हैं अगर स्पाइडर निकलेंगे तो हम लोग गाइज एक एक ब्लॉक और यहाँ पर बड़ा कर देंगे, मतलब जो दीवार है वो दो ब्लॉक का बना देंगे ताकि गाइज केब स्पाइडर जो है वो निकलने नहीं सके। तो यहाँ पर देख लो गाइज हम लोगों का आधा काम कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर वाटर देने की बारी है। तो यहाँ पर जैसे वाटर देंगे तो वो सारे जो स्पाइडर होंगे वो सरक के गाइज नीचे चले जाएंगे और वो केक्टस से मर जाएंगे। अब गाइज थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। तो जब मैं यहाँ पर खेल रहा था रात में तो क्या हुआ कि इस समय जब मैं ये जो अभी स्पाइडर फार्म बनाए इसके बाद यार मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा लेग करने लगा, मैं भागने ही नहीं सक रहा था, रीस्पॉन भी नहीं हो रहा था। पता नहीं गाइज यहाँ पर जो मानव भाई हैं वो भी बोल रहे थे कि रिस्टार्ट करो वगैरह बोल के, मैं रीस्टार्ट किया फिर भी नहीं हो रहा था। पता नहीं गाइज यहाँ पर नेट का इशू है या फिर क्या पता नहीं, बट गाइज हम लोगों का यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्पाइडर फार्म था वो भी बन चुका है फाइनली। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो में हम लोग न्यू चेस्ट रूम बनाए, इसके साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर काम बचा हुआ था चिकन स्पोनर जो था वो फिर से रिपेयर किए, इसके साथ ही स्पाइडर वाला जो फार्म था उसे भी गाइज हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी यहाँ पर अब क्या करेंगे कुछ कुछ मिशन भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज नेदर भी हम लोग जाने वाले हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इस फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर चेस्ट रूम बन गया, इसके बाद हम लोग का एक खुद का गाइज एक घर बनाएंगे सोच रहे हैं, फिर गाइज हम लोग नेदर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक एपिसोड के बाद कोशिश करते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेदर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसे लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइज इस तरह के और भी मस्त वाले इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, और अभी के लिए गाइज गुड बाय एंड लव यू ऑल।